अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मेरा और एबी का थोड़ा प्लान बना था वैसे ही लोकल राइड का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वो भी मेरे साथ नहीं गया, तो हमने कहा आज लोकल राइड दोनों करते हैं। बेसिकली आज मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगा कि मैंने R6 क्यों लिया। वो पूरा व्लॉग जब आप देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा क्या वजह थी लेने की। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं ट्रैक पे। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा उसमें आपको पता होगा कौन सा, उन्होंने बीच में सीट ब्रेकर्स वगैरह तो बना दिए हैं, लेकिन फिर भी आप मतलब वहाँ पे थोड़ा कह लें कि थोड़ा बहुत फिर पैच मिल जाता है। मैंने कहा वहाँ अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ का ये है कि अभी आपने देखा रोड कर्व था, मैं कर्व पे हल्की हल्की टेल कर रहा हूँ लेकिन वो टायर मेरा जाम कर देता है। ये मज़ा है ट्रैक्शन का, ये सबसे प्लस पॉइंट आता है इसमें मुझे। हेलमेट पे भी इतनी स्वेटिंग हो रही है ना इस टाइम, ऐसा फील हो रहा है जैसे वो सावन स्टार्ट हो गया है। अब बस हालांकि आता हमेशा अगस्त में था लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी फील हो रही है, क्योंकि मैंने वाइज़र भी बंद किया हुआ है, वो इसलिए कि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी पीछे। अच्छा जी, जो मेरे बाइक पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है योशिमुरा का, इसका मुझे ये एक बड़ा अच्छे सीन लगा है कि स्लो आरपीएम पे ना इसका इतना शोर नहीं है, मतलब आप इजीली राइड कर सकते हैं इनसे। क्या कह लें, अगर सोसाइटी में हैं या इधर लोकल फेरें तो इसका अब देखें ये लो आरपीएम पे इसका साउंड नहीं होता, फील ऐसा होता जैसे स्टॉक जा रहा है। जब आप इसका क्या कह लें आरपीएम ये 4000 या 5000 के बाद करते हैं तब ये अपना रोर निकालता है सही। ये चीज़ मुझे बड़े मज़े की लगी है इसमें। पर रश अब इतनी हो गई है कि गाड़ियों की भी हीट, ऊपर से गर्मी, बंदा डबल ही। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, वो करता हूँ साथ एबी को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बन गए, इसके माइंड में नहीं होगा। इधर स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं, स्पीड ब्रेकर्स बने हुए, ध्यान करी ठीक है। हाँ स्लो जाइए, अच्छा रात के टाइम ना मुझे भी नज़र नहीं आ रहा किस साइड पे ये आ गया, देखा एकदम। व्लॉग में बताओ ना ये भी। नहीं ये नहीं बताना ना। ये फिर वो मेरी पे और के करना। तो आप बताते हैं कि आपको मैंने R6 क्यों लिया, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में 4.5 मिलियन के मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि आप 1000 की तरफ स्विच क्यों नहीं हुए, इतने में मुझे 1000 भी मिल रहा था। लेकिन ये लेने की मेन वजह ये थी, फर्स्ट तो इसकी लुक, जिस वजह से मैंने लिया है। मज़े की चीज़ ये कि ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके बाद इसके अंदर मॉड्स हैं, क्योंकि जो ओल्ड R6 है उस पर ये चीज़ें नहीं है। ओल्ड R6 में जस्ट हाँ मेन चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, जो कि ABS फुल है। बहुत से लोगों ने कहा था कि आपने इतने में 1000 क्यों नहीं लिया, 1000 भी मिलता था आपको। जो मेन वजह थी इसको लेने की, नंबर वन इसकी लुक थी, उसके बाद मशीन न्यू थी बिल्कुल, क्योंकि 1000 अगर आप चले जाएँ तो वो मुझे मिलता 13 मॉडल या 14 मॉडल, बहुत ही रेयर होता, हाँ 15 मॉडल मिल जाता। लेकिन फिर अगर लेना है 1000 में, मेरा प्लान है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी लूँगा जो मुझे 1000 पसंद है, वो 6 मिलियन के बजट में फॉल करता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, एक तो लुक मुझे R1 की वैसी बड़ी पसंद थी, उसमें ये R6 भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। ये वाहिद बाइक है जिसको मैंने दिल खोल के खींचा 10R के बाद। जिक्सर अभी भी स्टिल 18 मॉडल 11 से लेकर 18 दोनों ये है, लेकिन R6 ने अपनी लुक चेंज की है। जो अब न्यू R1 आया उसका जो आईब्रो है वो इसकी तरह की है। मिनट्स लेटर, माशाल्लाह सब कुछ इस बाइक का परफेक्ट है, आप कह लें ड्राइव परफेक्ट है,
ब्रेकिंग आउट क्लास एबीएस आ गया, बात ही ख़त्म हो गई है। मॉड्स दिए हुए हैं, ट्रैक्शन दिए हुए हैं। एक चीज़ जो मैं इसमें मिस करता हूँ ना, वो इसका मीटर, वो कर देते ना R1 जैसा। ओए होए 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 होए, बस फिर कहानी ख़त्म थी। लेकिन फिर भी ये बहुत प्यारा मीटर है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, जो 9 मॉडल का R1 है, 9 10 11 वाला R1 है, उसका ये वाला मीटर है सेम बिल्कुल। रोड थोड़ा बम्पी है ना, मुझे उस तरह आइडिया भी नहीं है, कुछ पता नहीं चलता हमारे पाकिस्तानियों का भी कितने खड्डा खोदे हुए, इस वजह से थोड़ा डर भी लगता है। हम जा रहे हैं अपने एक और डेस्टिनेशन पे छोटा वगैरह पीने। असल पे करवाने हैं दोनों ने अपने वाइजर्स भी चेंज, क्योंकि दिन के टाइम अक्सर जब आप राइड करें ना, तो ये बिल्कुल वो हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा धूप आंखों में लगती है, तो ब्लैक लेने हैं। तो मैंने कहा क्यों ना, इधर साथ ही कार क्राफ्ट है जानी भाई का, तो वहाँ पे जाके मैं भी हमें वाइजर्स मिल जाएँ जो कि मिलने चाहिए, क्योंकि उनके पास एसेसरीज मैंने काफ़ी देखी हैं ऑनलाइन भी। मैंने बेसिकली दो एक चीज़ें और भी लेनी हैं। आई थिंक बंद है मुड़ ले। 20 minutes later मुझे पूछा जाता था ना कि लास्ट ओल्ड R6 में ना थोड़ा हीट इशू है। खैर वो उसको हीट इशू नहीं कह सकते, उसके बॉडी के कट्स ही ऐसे हैं कि उसकी जो इंजन का हीट होता है ना, जो भी वो उसके कट से निकलता है, तो इसलिए आपको फील होता है सीधा आपकी थाइस में आके लगता है, उस वजह से उस पर हीटिंग का कहते हैं जी इशू है। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें आपको उस तरह हीट फील नहीं होती जिस तरह ओल्ड R6 में होती है। एक तो वो उससे आप कह लें एक मामले में बेहतर है, और सेकेंड क्या था और अभी मेरे जहन में बात आई थी, निकल गया है। हाँ जी, सिटिंग पोस्चर, इसकी सिटिंग भी बहुत कंफर्टेबल है। वो वाली तो यूं बहुत अप होके आगे की तरफ घिरी हुई थी ना, तो उस पर बंदा अक्सर थक जाता था, इसकी ये सिटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, सुकून है। गाड़ी वाला एकदम डर गई। आजकल यूँ कर्व पे टेल का मज़ा आता हल्का सा, वो ट्रैक्शन की वजह से ना बंदा थोड़ा कंफर्टेबल स्लिप नहीं करता पाए। ये देखे, ये हल्का सा किया, ये देखे, कि न्यू मशीन न्यू ही होती है। मार्टिन ने इधर गाड़ी मोड़ी है, मेरा भी तरह निकाल है। पहले बाइक वॉश करा दें फिर घर चलते हैं, फिर इसको खड़ा कर देंगे, वॉश करके खड़ा कर देना, ताकि नेक्स्ट राइड के लिए एनी टाइम तैयार रहे। जस्ट कपड़ा उठाया और निकल गए। Few minutes later. बाइक वगैरह अपना हो गया वॉश, अब लगाते हैं इसको ज़रा हवा शवा, जो इसके साइड मिरर्स वगैरह ग्रिप्स वगैरह, फिर हवा से पानी निकलना। लेवल चेक करें अभी, बाइक तो लगी तुम्हारी, पानी स्टार्ट हो गई। लाला ये सारी तुम्हारी मस्ती है, ये तुमने दिल से धोया तो बारिश शुरू हो गई है। बाइक को क्या हुआ, बंद हो गया बाइक, कैसे भाई? आओ भाई जी, जाओ बुला रही है भाई, जाओ।